हेलो स्टूडेंट्स आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम सिलिएटेड एपीथीलियम टिश्यू की बात कर रहे हैं जो कि एपीथीलियल टिश्यू की एक टाइप है एपीथीलियल टिश्यू को फाइव टाइप में क्लासिफाई किया जाता है स्क्यूमस एपीथीलियम टिश्यू कबोडर एपीथीलियम टिश्यू कॉलमुलर एपीथीलियम टिश्यू सिलियट एपीथीलियम टिश्यू और नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपीथीलियम टिश्यू जिनमें आज हम सिलटेड एपीथीलियम टिशू की बात कर रहे हैं इसकी पहली वीडियो में हम स्कीूमिस एपीथीलीम टिश्यू क्यूबोडल एपीथीलीम टिश्यू और कोल कॉल्मुन, कोलमर एपीथीलीम टिशू की बात कर चुके हैं उनकी लोकेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या है अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं अब हम बात करते हैं सिलेक्टेड एपीथीलियम टिश्यू की लोकेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें द लाइनिंग ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है और नेफ्रॉन में इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है यह क्यूब्यूडल कोलमुलर सेल इसके सेल होते हैं जैसे कोलम पिलर लाइक स्ट्रक्चर है इनके सेल का और यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं फाइन हेयर लाइक सीलिया जिन्हें हम सीलिया कहते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू के फंक्शन की तो इसका फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्शन स्प्रेडिंग ऑफ म्यूकस और सीलिया सेट गैसेस एंड लिक्विड इन मोशन तो ये थी हमारे टॉपिक सिलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू की लोकेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू की बात करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग